कहाँ से हैं आप? इंदौर से आया हूँ गुरुजी। पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। ठीक से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़ना है। जय जय सियाराम। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। कभी धाम गए? धाम जाने वाला हूँ गुरुजी, अभी आप 1 से 5 तारीख रहेंगे ना तो जाने का सोचा। अच्छा, मतलब दरबार में पहली बार ही आए? पहली बार ही आया हूँ, मेरे साथ हमारी आंटी और मेरी सिस्टर भी आई है। अच्छा, सब लोग आए जी। हमें जो आज्ञा गुरुजी की लगी हमने उसको कलम से लिखा जी। आप अपना प्रश्न गुरुदेव भगवान से पूछें, बालाजी से। गुरुजी, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था और मैं वो आपने जो मंत्र बताते हैं वो ओम बागेश्वराय वीर वीरायम पट स्वाहा, उसके 5100 बार मैं उनका नाम ले चुका हूँ, 5100 बार। और बागेश्वर बालाजी नमा के आपने जो मंत्र बताया था वो भी मैं 5100 बार ले चुका हूँ। करीब 6 महीनों से मैं उनके ये उच्चारण कर रहा हूँ दोनों नाम का। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, वो मेरी आंटी जी हैं, बहुत परेशान रहती है मेरी सिस्टर के साथ जो आई हैं, उनकी मम्मी। उनको क्या हो गया? उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है और कुछ ना कुछ जादू टोना करवाते रहते हैं। जिनके साथ आए घर में उनके तंत्र की हैरानी बनी है। आपका कोई प्रश्न नहीं है, पूर्व में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे धाम के ऊपर, हमारे ऊपर आपका पूर्ण भरोसा हो जाए इसीलिए बुलाया गया है, और उनका तंत्र भी कट जाएगा। जय गुरु जी। पर्चा पढ़िए। बिल्कुल सही है, यही है, सही है। अब हो गया भरोसा? भरोसा हो कि हम और मैटर पे जाएं? नहीं नहीं, इनके घर में मारण विद्या भी करते हैं और इन्होंने बहुत रुपया भी इस चीज में बर्बाद कर दिया है। अभी पूजा भी इन्होंने करवाई थी अभी कुछ दिन पहले, और उस पूजा करवाने के बाद जब वहाँ विफलता मिली तब फिर ये बागेश्वर धाम आए हैं। और आपकी ये भी चर्चा हुई थी कि हम कैसे भी करके मिलवा देंगे न्यायमाय से व्यवस्था करके, तो आपने गारंटी भी मिलवाने की ली थी और हम आपकी गारंटी को फेल कर रहे हैं कि हम आपके चक्कर में नहीं मिलेंगे। और इनसे माता जी से कह देना, आंटी जी से, 21 दिन की अखंड ज्योति जला दें, हम सेना भेज देंगे, आज से ही लाभ होने लगेगा, पर धाम पर परमानेंट उपाय कर देंगे। इनकी ही एक वो रिश्तेदारनी है, इन्हें पता है जो करती है, और वही फोटो रखे हुए हैं जो बार बार प्रयोग करवाती है, मारण विद्या का मुसलमान से करवाती है, पर बाल बांका नहीं होगा। जाओ कह देना अर्जी स्वीकार है और आज से ही कृपा होगी। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की। आप पियो ना मैया, ये जय भजन करो, जो आज्ञा दी है आप वो करो और जाओ उनको कर लेने दो उपद्रव। आज से अगर वो कल जाती है अली के पास तो हमारे पास है बजरंग बली, कह दिए, रोना नहीं है आज के बाद। चलो, पर तुम बहुत उपद्री हो यार भाई साहब, बहुत उपद्री, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेदा कर देते हो। कहो तो एक आध चीज, नहीं नहीं हम बोलेंगे नहीं, तुम पढ़ लो, तुम समझ जाओगे कि हम कितने बड़े वाले गुरु हैं। राम जी, बोलो बालाजी महाराज की। अब समझ गए हम कितने बड़े वाले गुरु हैं। साधु जी, ओ साधु जी, आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय, बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा, मेरे एक छोटी सी कन्या, उसका कोई भाई नहीं है, मुझे उसके लिए भाई चाहिए। और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़।
नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ से। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? एक नंबर और चार नंबर गायब है, पांच नंबर तक में। कौन सा नंबर? एक नंबर और चार नंबर तो गायब है, बट गया है। दो नंबर लॉक कर दें पक्का? लोता गुरु जी अब संभालियो। कितना नंबर है? दो नंबर। पढ़े लिखे हो? यस सर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा, पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा, प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्री को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा तीन माला धाम की पेशी, और जाओ पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं जी। बोलो बालाजी सरकार की। नेक्स्ट राम, यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा।